हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू शायद सरज एजुकेशन पॉइंट तो बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग हां भाई ये गाइडेंस एंड काउंसलिंग की क्लास है तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गाइडेंसेस टाइप्स ऑफ गाइडेंसेस तो कल मैंने आपको कहा था कि द टोटल टाइप्स ऑफ गाइडेंस जो है जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो तीन हैं वन इज़ एजुकेशनल गाइडेंस वोकेशनल गाइडेंस एंड पर्सनल गाइडेंस तो वो इसकी मीनिंग लिखेंगे और साथ ही में हम आपको बताएंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ़ एजुकेशनल गाइडेंस वोकेशनल गाइडेंस एंड पर्सनल गाइडेंस तो हेयर वी स्टार्ट ओके तो चलते बेटा स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे वट डू यू मीन बाई एजुकेशनल गाइडेंस देखिए बाई वेन यू से एजुकेशन इट मीन द स्कूल लाइफ ऑफ ए चाइल्ड तो स्कूल लाइफ में बच्चा क्या करेगा बच्चे में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएगी तो वो हमेशा देखना है किस में एजुकेशनल गाइडेंस में देखिए व्हेन ए चाइल्ड एंटर्स इन द स्कूल प्रमिसेज राइट तो ही फेसिज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स तो पहले पहले बच्चा एडजस्ट नहीं होता है स्कूल में पहली पहली बार जब वो जाएगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होगी टीचिंग लर्निंग के रिलेटेड टीचर से इंट्रैक्शन करने के रिलेटेड करिकुलम के रिलेटेड कोर्स के रिलेटेड टाइम टेबल के रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेन चीज जो है एडजस्ट इन द स्कूल ओके तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स है तो उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बेटा देयर इज वन टाइप ऑफ गाइडेंस दैट वी कॉल्ड एज एजुकेशनल गाइडेंस आई होप बेटा आपको मीनिंग ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस समझ आ गया यू कैन गो थ्रू माई नोट्स एंड यू कैन सी क्लियरली वेरी नाइसली एंड वेरी सिंपल मैंने इस डेफिनेशन को लिखा है और चलते बेटा आज स्टार्ट करते हैं मीनिंग तो हो गया तो वट आर द इंपॉर्टेंट एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्ट

ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस सबसे पहला पॉइंट हम यहां पे लेते हैं नंबर वन टू असिस्ट मीन्स टू हेल्प टू असिस्ट द पीपल टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ सबसे पहली बात जो है एजुकेशनल गाइडेंस में हम क्या करते हैं हम बच्चे को ये हेल्प करते हैं कि आप अपने आप को पहले जानने की कोशिश करो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ माई डियर सो वंस यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वट यू आर वॉट इज योअर पर्पज वॉट यू आर गोइंग टू डू इन द फ्यूचर तो जब आपको ये अच्छी तरह से समझ आएगा देन आफ्टर दैट राइट right? तो सबसे पहला पॉइंट जो एजुकेशनल गाइडेंस में हम बच्चे को देते हैं वो हम बच्चे को हेल्प करते हैं ताकि वो अपने आप को पहले अंडरस्टैंड कर सके तो कल ना एक क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच टाइप ऑफ गाइडेंस वी असिस्ट दीपल टू अंडरस्टैंड दियर ओन पर्सनैलिटी इट्स माइ डियर एजुकेशनल गाइडेंस राइट सो सिंपल नंबर सेकेंड पे आते हैं टू हेल्प चाइल्ड make educational plans very good so once you are in the school in the college in the university what are your future plans related to your education so this will help Educational guidance will help you better uh, to make educational plans. So when you actually make educational plans, many of the students they face problem. So they face problem. They have then anxiety, depression, etc. So in order to reduce this anxiety and depression, my dear, there is an option. Then educational guidance will help them how they are going to make plans related to their. एजुकेशन तो सिंपल है क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव नंबर टू क्या है टू हेल्प चाइल्ड मेक एजुकेशनल प्लान सो नाइस यू नंबर थर्ड पे चलते हैं टू हेल्प स्टूडेंट्स टू नो देयर सब्जेक्ट अभी तो मैं बात कर रहा हूं देखिए इतना ही नहीं है जब बच्चा स्कूल जाता है ना पहली बार तो इसको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है टीचर को समझने में प्रॉब्लम हो जाती है सब्जेक्ट के साथ डील करना प्रॉब्लम होती है तो बच्चा हम एजुकेशनल गाइडेंस में हेल्प करते हैं बच्चे को ताकि कि वो अपने सब्जेक्ट के बारे में अपने कोर्स के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करें तो ये हेल्प हम प्रोवाइड करते हैं किसमें एजुकेशनल गाइडेंस में सो नाइस नंबर नेक्स्ट टू हेल्प स्टूडेंट्स इन इन मेकिंग प्रोग्रेस वेरियस ये तो सेम ही है मैंने दो बार लिखा यहां पे तो चलिए बेटा एक तो हो गया अंडरस्टैंड जब आप अपने सब्जेक्ट को जानोगे ना तब जाके आप इस सब्जेक्ट में प्रोग्रेस कैसे करोगे उसके लिए भी भाई आपको कौन सी गाइडेंस चाहिए आपको एजुकेशनल गाइडेंस की जरूरत है तो हाउ यू कैन मेक प्रोग्रेस इन योर सब्जेक्ट इज दैट यू हैव चूज इन इन यूर स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो उसके लिए भी बेटा आपको किस चीज की जरूरत है यू नीड वट एजुकेशनल गाइडेंस सो सिंपल ओके नाउ द नेक्स्ट इज टू हेल्प स्टूडेंट्स टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट येस माई डियर देर इज अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम इमोशनल प्रॉब्लम सारी चीजें भाई होती है स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो परेशान होते है कि मैं स्कूल ना जाऊं मैं अगर मैं स्कूल जाऊं लेकिन मैं क्लासरूम में ना जाऊं मैं फलानी सब्जेक्ट ना पढूं, मैं फलानी टीचर का क्लास ना दूं तो ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किसके पास है माइडिया उन सभी solution, प्रॉब्लम का सलूशन है एजुकेशनल गाइडेंस तो एजुकेशनल गाइडेंस बच्चे को एडजस्टमेंट देता है ठीक है तो यही तो मैंने लिखा टू हेल्प स्टूडेंट्स टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स राइट और नंबर नेक्स्ट इज टू टू हेल्प स्टूडेंट डेवलपिंग गुड स्टडी हैबिट्स राइट डियर अगर आपको राइट right गाइडेंस दी जाती है एजुकेशन के रिलेटेड तो आपके स्टडी हैबिट्स डेवलप हो सकते हैं बहुत सारे बच्चों को स्टडी हैबिट्स के बारे में पता नहीं होता है इवन दे डोंट नो वट इज द लाइब्रेरी वट इज़ द वट इज़ ट्यूटोरियल वट इज़ क्रेडिट इस ये सारी चीज़ें उनको पता नहीं होती है तो माई डियर द राइट टाइम इज़ एजुकेशनल गाइडेंस विल प्रोवाइड यू द असिस्टेंस फॉर दिस सो इट कैन हेल्प यू इन डेवलपिंग गुड हैबिट्स आई होप बेटा यू आर एंजॉइंग द लेक्चर एंड द लास्ट माई डियर टू डेवलप टू हेल्प स्टूडेंट्स टू पार्टिसपेट इन आउट इन एंड आउट ऑफ क्लास एजुकेशनल एक्टिविटीज़ येस माई डियर क्लासरूम को लेकर अगर हम बात करेंगे खाली क्लासरूम में पढ़ाई नहीं होती है देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज माय डियर सेमिनार्स वर्कशॉप एट्सट्रा यू मस्ट टेक पार्ट इन दैट तो इसके लिए आपको कौन हेल्प करेगा तो एजुकेशनल गाइडेंस विल हेल्प यू दैट यू

आपको हेल्प करना ये किसका काम है मेरा बच्चा ये काम है एजुकेशनल गाइडेंस का माइडियर तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट एजुकेशनल गाइडेंस तो चलते हैं दूसरा हिस्सा इसका पढ़ते हैं ये तो ये तो पहला था पहला एजुकेशनल गाइडेंस है इसी तरह अब हमारे पास क्या है वोकेशनल गाइडेंस एंड देन वी हैव यू नो पर्सनल गाइडेंस आई थिंक आज इतना ही uh, मैं क्लास इतना ही ले सकता मेरा थोड़ा बिज़ी शेड्यूल चल रहा है चूँकि uh, बिजी शेड्यूल इन व्हाट सेंस कि पीजी एंट्रेंस जो वाले हैं ना तो उनका मतलब कमिंग डेज़ में उनका पेपर है तो उसी के सिलसिले में थोड़ा बहुत बिजी हूँ एजुकेशन का तो मैंने कर लिया है लेकिन साइकोलॉजी वालों के लिए मुझे अभी करना बाकी है तो इसलिए माइडियर आज इतना ही तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों चीज़ें कवर होंगी इनशाला तो उसके बाद हम काउंसलिंग पे आते हैं ठीक है और हाँ माई डियर अगर, अगर अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे नोट्स को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ तो यू कैन गो थ्रू दैट विल लिंक एंड यू कैन परचेज़ माई नोट्स एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प इन योर लर्निंग थैंक यू May Allah bless you and keep always learning.